तो दो चार क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे, है ना। आज एक 2 to 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर, द पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर एंड एस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। The positions of 5 elements x, y, z, r and s in the modern periodic table are shown below. X, y, z, r and s, capital में, in the modern periodic table are shown below. हो गया सबका? थोड़ा fast लिखा करो भाई। Which pair of elements have the same valency? डायग्राम भी बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, सोचते नहीं रहेंगे। विच पेयर ऑफ एलिमेंट हैव द सेम वैलेंसी? इसको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 6 रोज़ हैं, ठीक है, ये टोटल 2 रोज़ हैं और बीच में इस तरीके से बना दीजिए, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है हमको अभी। ये ग्रुप नंबर 1, 2, फिर यहाँ पर क्या होता है 3 से 12 तक होता है, दिस इज़ 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 ग्रुप नंबर है, ठीक है। सो जो ग्रुप नंबर है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है ग्रुप नंबर 1, 2 में। बट इधर वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको 8 से 10 से माइनस करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 1 की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 1। ग्रुप नंबर 2 की 2। ग्रुप नंबर 3 की 3 होती है, इसकी 4 होती है। उसके बाद फिर से वैलेंसेस घटने लगती है, इसकी 3 हो जाती है, इसकी 2 हो जाती है, इसकी 1 और इसकी 0, है ना। ये हमने करवाया था वैलेंसी का, जब मैंने वेरिएशन बताया था तो आपको बताया था कि ग्रुप नंबर 1, 2, फिर इधर क्या हो रही है, वैलेंसीज बढ़ रही हैं, 4 तक बढ़ती है, उसके बाद फिर कम होती है। सो ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ग्रुप नंबर 1 है उसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो हमको ऐसे 2 एलिमेंट बताने थे जिनकी वैलेंसी क्या है, 1। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे, x एंड y। तो आप लिख सकते हैं कि x, द x इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1, सो उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। वैसे ही y इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप नंबर 17 और उसकी भी वैलेंसी क्या है, एंड इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 1। लिख लेंगे आंसर खुद से, लिख लीजिए। हाँ, x belongs to group number 1, hence its valency is 1, and element y which belongs to group number 17, its valency is also 1. कल ना आप लोग चैप्टर 5 पढ़ के आना, जितना भी नोट्स लिखा है ना उसको रीड करके आना, क्योंकि आप लोगों को अधिकतर बच्चे ब्लैंक दिखते हैं मुझे। नोट्स लिखे हैं आप लोग ने चैप्टर 5 के? इधर का मुझे भरोसा नहीं है, क्यों हिमांशु? कल चैप्टर 5 के नोट्स कम, एग्ज़ाम है वही आने वाला है ना चैप्टर 5। अरे भाई चैप्टर 5 आने वाला है, कम से कम उसके नोट्स तो कंप्लीट कर लो। व्हाट अबाउट यू विशेष, चैप्टर 5 के नोट्स लिखे हैं उधर पीछे? पता चला गायब कल हिमांशु, ऐसे ही होता है ना, बोल दिया कि अरे कल आंसर लर्न करके आना है, गायब हो गया। मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला उससे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे ही ऐसे ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। स्टडी द इंफॉर्मेशन, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस ये डेटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा सी कॉमा डी फॉर ऑन बेसिस ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर्स, फॉर ऑन बेसिस ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लिख लिए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए सी डी ऑन बेसिस ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। कौन सा ज़्यादा मेटालिक होगा, कौन सा कम, उस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। मतलब जो सबसे कम मेटालिक होगा उसको पहले, और सबसे ज़्यादा जिसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा उसको लास्ट में, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर से हम क्या समझते हैं, वो एलिमेंट जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे। तो आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा लूज देरी से करेगा, बताइए। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना डिपेंड करता है कि एटम का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर एटम बड़ा है तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा, ए सी और डी में। सबसे ज़्यादा किस में मेटालिक करेक्टर होगा, हाँ एक बताइए जल्दी से, डी। इस तरफ से आया आंसर डी, आप लोग क्या बोल रहे हैं, हाँ ए सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा कि सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा होगा डी, सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा, सी सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा। साइज तो दोनों का सेम ही है ना, है कि नहीं, साइज शेल्स दोनों के सेम ही है, नंबर ऑफ शेल्स सेम ही है, पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा अपनी ओर खींचेंगे, है ना, और इसमें प्रोटॉन्स कम है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ईजिली लूज करेगा, तो इट विल बी दी मोस्ट मेटालिक। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन हो गया, सी, उसके बाद क्या होगा, डी, और सबसे लास्ट में ए आएगा क्योंकि इसमें तीन ही शेल्स है, शेल्स कम है, मतलब साइज़ क्या है, छोटी है, साइज़ छोटी है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना एज कम्पेयर टू इन दोनों से क्या होगा, मुश्किल। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मेटालिक होगा वो क्या होगा, सी। तो कौन से ऑर्डर में बोला है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, तो मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, हमारा सी का, तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, और ए का सबसे कम, ठीक है। सो ये होगा उसका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, विच एलिमेंट कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड याद है आप लोगों को, क्या होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड जो है, हाँ
ऐसा ऑक्साइड मेटल का वो ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? एल्युमिनियम और जिंक। तो इसमें से देख के बता सकते हो कि कौन सा होगा? एल्युमिनियम, इन सारे एलिमेंट्स में एल्युमिनियम कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा? बी। बी इज एल्युमिनियम। क्यों भाई बी एल्युमिनियम क्यों है? 13 एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का होता है। सो कौन फॉर्म करेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एलिमेंट बी। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं, आंसर लिख लीजिए इसका, एलिमेंट बी, एलिमेंट बी कॉमा में ब्रैकेट में लिखना एल्युमिनियम कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एलिमेंट बी कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हाँ पार्ट सी, इसी डेटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है बी इज नोबल गैस, सेकेंड स्टेटमेंट सी हैव वैलेंसी ऑफ -1, थर्ड स्टेटमेंट डी इज मेटालिक इन नेचर, और लास्ट स्टेटमेंट है ए बिलोंग टू पी ब्लॉक, ए बिलोंग टू पी ब्लॉक, ए बिलोंग टू पी ब्लॉक, पी स्मॉल पी ब्लॉक। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू ऐसा लग रहा है आपको? बी इज नोबल गैस, बी नोबल गैस है क्या? नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सी हैज वैलेंसी ऑफ -1, सी की वैलेंसी -1 होगी क्या? +1 होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +1, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डी इज अ मेटालिक इन नेचर, डी क्या मेटालिक होगा? यस बिल्कुल, क्योंकि इसके आखिरी में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये गेन नहीं कर सकता, तो ये मेटालिक है, तो बिल्कुल सी जो है बिल्कुल सही है। ए बिलोंग टू पी ब्लॉक, ए जो है पी ब्लॉक का नहीं है, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ए वो जो इधर के एलिमेंट्स होते हैं ना, इस तरीके से जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो तो इस तरफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इस तरफ के जितने भी एलिमेंट हैं उसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी है नहीं पर ज़बरदस्ती में क्वेश्चन पूछ दिया आपके। ये जो फर्स्ट टू ग्रुप मेंबर्स होते हैं ना, ग्रुप नंबर 1 और 2, उसको एस ब्लॉक बोलते हैं, और इधर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक को क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक। लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं चले जाती हूँ, मैडम को बुला लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू सेम पीरियड? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डी हुआ ना, ए बी सी डी है ना, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू सेम पीरियड? पीरियड आपको क्या लगता है कौन कौन से सेम पीरियड वाले होंगे? हाँ, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सेम पीरियड में होंगे? सेम पीरियड है कैसे पता चलता है? वैलेंसी सेम ग्रुप में होती है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, मतलब वो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सी डी सेम पीरियड के हैं, सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं, तो ये सेम पीरियड के होंगे। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में शेल सेम है, ए में, बी में और ई में शेल सेम है, तो ये तीनों क्या होंगे? सेम। चलो इसके ऑप्शंस लिख लो, पहला ऑप्शन है ए बी ई, पहला ऑप्शन ए बी ई, दूसरा ऑप्शन ए बी सी डी, ए बी ई, दूसरा है ए बी सी डी, तीसरा है ए डी, और फोर्थ ऑप्शन है डी ई। बताइए कौन सा आंसर सही है? ए बी ई। ठीक है,
ठीक है, अगली कल ना चैप्टर 5 पढ़ के आना, ठीक है? क्या पढ़ के आएंगे चैप्टर 5 में, क्या पढ़ के आएंगे मैं बता देती हूँ। ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू लैंड्स ऑक्टेव रूल है ना, और क्या था एक, डोबेराइनर ट्रायड, थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ के आना, थ्योरी को लर्न करके आना, ठीक है? और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़, ये तीन थ्योरी क्वेश्चंस पढ़ के आएंगे, और बाकी जितना भी मैंने पीरियोडिसिटी का जो लिखाया है उसको भी पढ़ के आएंगे कि क्या होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, पीरियड में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हैं ना, उसको पढ़ के आना, ठीक है? बाकी ये तीन थ्योरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करके आना। फिर मैं कल एक और थ्योरी क्वेश्चंस लिखाऊंगी, कंपैरिजन बिटवीन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड दी क्या था उसका, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उन दोनों में एक कंपैरिजन लिखवा दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है? तो आज हम लोग चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना? बैक एक्सरसाइज हमने अभी तक किया नहीं था, और मैं नोट्स देती हूँ तो आप लोग लिखते नहीं हैं, तो मैं यहीं डिक्टेट करा के एक एक क्वेश्चन को आपको बता देती हूँ कि क्या है, ठीक है? सो आप अपनी बुक भी लेके निकाल के रखेंगे, क्वेश्चन वहीं से पढ़ेंगे क्योंकि हम बुक से, ठीक है? तो पेज नंबर 85 जो है आपकी बुक का, उसमें 4-5 क्वेश्चन हैं, है ना? यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट दी फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, लिखा क्या क्वेश्चन? Use Mendeleev's periodic table to predict the formula for the oxide of the solution for the following element: potassium, carbon, aluminium, silicon और Ba क्या होता है, क्या नाम है इसका, beryllium, है ना? इन सब के ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना है आपको, और आपको क्या करना है, Mendeleev's की periodic table को देख के predict करना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबके सब अपनी बुक में Mendeleev's का periodic table निकालो पहले। तो पोटेशियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, आप देख रहे हैं मेंडलीव्स में, ग्रुप 1A, ठीक है? तो ग्रुप 1A का मेंबर है अगर पोटेशियम, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, ठीक है? क्योंकि जो ग्रुप नंबर है वही उसकी वैलेंसी होती है, ग्रुप नंबर 1-2 में तो यही होता है। तो अगर पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2O होगा कि नहीं? ये पोटेशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम की वैलेंसी हमने बोली 1, इसकी कितनी होती है, 2, तो क्रॉस ओवर वैलेंसीज होगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है? तो चलो आंसर लिखो, मैं बता रही हूँ। ऑक्सीजन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6A इन अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 6A, ठीक है? उसने अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसको रोमन नंबर से लिखा था, है ना? आप देखेंगे उसकी पीरियोडिक टेबल में, तो हर ग्रुप को उसने रोमन नंबर से डिनोट किया था। सो 6A का मेंबर है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फुल स्टॉप, इट्स वैलेंसी इज 2। पोटेशियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1A, पोटेशियम इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1A, इट्स वैलेंसी इज 1, देयरफोर द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड विल बी, उसके बाद ये लिख लो, इस तरीके से लिखते हैं वो, लिख लो सिंबल वैलेंसी, और ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। देयरफोर द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड इज, K2O, है ना? और उसके बाद ये लिख लो कैसे K2O कैसा आया, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक? क्यों लेट क्यों है कुशल आप? ठीक, सेकेंड, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 4A, कार्बन इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप 4A, इट्स वैलेंसी इज 4, देयरफोर द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विल बी,
ऐसा बना लेंगे कार्बन के लिए, यस और नो? हो गया। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A, हो गया ना, आप लोग लिख लिए थे ना। क्या फॉर्मूला है अभी कार्बन के ऑक्साइड का? CO2 है ना। एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड इट्स वैलेंसी इज 3। अच्छा, 3 लिखेंगे तो रोमन नंबर्स में लिखना, ओके? 3A जो बोला है, ग्रुप नंबर को हमेशा किस में लिखेंगे? रोमन नंबर्स में। क्लियर है कि नहीं? एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3A एंड इट्स वैलेंसी इज 3, सो द फॉर्मूला ऑफ इट्स कंपाउंड विल बी, वैसे ही सिलिकॉन और बेरियम का भी लिख लो। सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है देखेंगे टेबल पे। फोर ए का है कि नहीं? सिलिकॉन कार्बन के नीचे होगा, सिलिकॉन 4A मेंबर है, ग्रुप नंबर 4 और A का मेंबर है 4A। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं देखना है, आपको कौन सा देखना है? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कार्बन मॉडर्न में 14 है बट मेंडलीव्स में क्या है? 4A है। सिलिकॉन 4A का मेंबर है ना। और बेरियम का देख लो, बेरियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? टू ए होगा, बी ए, टू ए, देखो ना, मैग्नीशियम मैग्नीशियम के पास होगा बेरियम, टू ए में है, ओके। ग्रुप नंबर 2 में है कि नहीं भाई? बेरियम दिख रहा है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आया? ठीक, Al2O3 आया है सबका। A समझ में आ रहा है? कैसे बोल रहे हैं आप? देखो फोर्थ ग्रुप में ना इस तरीके से A लिखा होगा, इस तरह B लिखा होगा, तो A साइड में है तो 4A और B साइड में है तो 4B, ठीक है, हो गया आपका। सिलिकॉन का क्या फॉर्मूला आया? सिलिकॉन के ऑक्साइड का देखो ना क्या लिखी हो, Al2O3 सबका आ गया, इधर Al इधर O है ना, इसका 3 इसका 2, तो क्या हो गया इसका? Al2O3 है ना। SI का देखेंगे तो क्या होगा? एक SiO, इसका 4 है इसका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? Si2O4 या फिर SiO2 आया है सबका ये। फिर बेरियम का था है ना, बेरियम और ऑक्सीजन का, ठीक है, तो इसका भी 2 होता है, इसका भी 2, BaO कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाय मेंडलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव्स जब इस पीरियोडिक टेबल को बनाया तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो नोन नहीं थे, ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन व्हेन दिस टेबल वाज मेड, ओके। 56 एलिमेंट्स के बाद और भी एलिमेंट डिस्कवर होते गए है ना। तो पहला जो एलिमेंट था गैलियम, उसके बाद और कौन से दो एलिमेंट्स थे जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बनाने के बाद डिस्कवर हुए? स्कैंडियम और जर्मेनियम है ना। इन तीनों का प्रिडिक्शन भी कर दिया था उसने है ना, किया था कि नहीं याद है? हाँ, तो आंसर लिखो, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम आर द एलिमेंट्स, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम आर द एलिमेंट्स दैट आर लेफ्ट बाय मेंडलीव In his periodic table, since its discovery. हाँ वही वाला। What are the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table?
उसने क्या क्या क्राइटेरिया किया था, कौन सा क्राइटेरिया लिया था उसने, क्या लिया था कि जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। जो सेम टाइप के ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा था उसने, है ना। जैसे अभी देखा हमने कार्बन और सिलिकॉन जो है वो सेम टाइप के ऑक्साइड बनाते थे, SiO2 और कार्बन का ऑक्साइड क्या था, CO2। तो जो सेम टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं उनको क्या किया उन्होंने, सेम ग्रुप में डाल दिया। या जो सेम टाइप के हाइड्राइड्स बने हैं उनको क्या किया, सेम ग्रुप में डाल दिया। तो उसका क्राइटेरिया क्या था, यही क्राइटेरिया था कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का ऑक्साइड या हाइड्राइड बना रहा है और उसको उनको सेम ग्रुप में डाल दो। ठीक है, समझ में आया ये, तो चलो लिख लो आंसर। कोई डाउट है क्या इस आंसर में, मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड, मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो गया फुल स्टॉप। अमंग फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉमा he observed the relationship between the atomic masses of various elements while creating his periodic table. Masses of various element while creating his periodic table. Next question, why do you think the noble gas are placed in a separate group? ठीक है, मेंडलीव्स ने भी नोबल गैसेस को अलग से सेपरेट ग्रुप में रखा था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उनका सेपरेट 18 ग्रुप है। ठीक है, या तो उसको ग्रुप नंबर 18 बोलते हैं या उसको ग्रुप नंबर 0 भी बोलते हैं। तो हमने क्यों नोबल गैसेस को अलग से एक ग्रुप में रखा है, क्या रीज़न है? हाँ, क्योंकि वो उनका ऑक्टेट कम्प्लीट रहता है और वो इनर्ट होते हैं, है ना, दे आर इनर्ट, वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी होती है उनकी। ठीक है, तो इसलिए उनको हम अलग से ग्रुप में रखते हैं। वाई? बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। और दूसरा रीज़न है कि वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बट जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम नियॉन ज़ेनॉन, ये सब बहुत ही कम अमाउंट में मिलते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट में भी बहुत कम मिलते हैं और एटमॉस्फेयर में भी हीलियम वगैरह का परसेंटेज क्या है, बहुत ही कम है। तो इसलिए उनको क्या रखा गया है, अलग से रखा गया है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन समझते हैं ना, मतलब उनकी अवेबिलिटी जो है वो क्या है, बहुत ही कम। तो लिखो आंसर, Noble gases are placed in a separate group because of their inert nature. And low concentration in our atmosphere. They are kept in a separate group. एटमॉस्फेयर के बाद फुल स्टॉप लगाना, ठीक है, केप्ट इन अ सेपरेट ग्रुप सो दैट दे डू नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। अब पेज नंबर 90 के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? ठीक है, जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल में जो जो एनोमलीज थी, जो जो प्रॉब्लम्स थे, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किस तरीके से ख़त्म किया? ठीक है, मेंडलीव्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? पहली प्रॉब्लम्स थी कि उन्होंने
हाँ हाइड्रोजन की प्रॉब्लम थी, उसके बाद उसने कोबाल्ट और निकल जो है, निकल का जो है एटॉमिक मास क्या था, कम था, ठीक है, और कोबाल्ट का ज़्यादा था। उसके बाद भी उन लोगों को उसने आगे पीछे रख दिया, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद उसने आइसोटोप्स को अलग अलग जगह रख दिया, है ना, जबकि आइसोटोप्स जो हैं भले वो उनके मासेज अलग अलग हैं बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। पर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें हमने क्या किया, जो भी आइसोटोप्स हैं उनको एक ही जगह दी, क्योंकि हमने किस तरीके से अरेंज किया है सारे एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, जबकि मेंडलीव्स ने किसके अकॉर्डिंग प्लेस किया था, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो मेंडलीव में थी वो क्या हो गई, ओवरकम हो गई विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। सो पहला लिखो आंसर, इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इसका आंसर रहने दो, इसमें अच्छा नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर मैं बाद में आपको लिखवाऊंगी, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी इसका आंसर बाद में, वहाँ से पढ़ना, अच्छा नहीं लिखा है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर योर चॉइस। ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताने हैं जिनके केमिकल रिएक्शन किसके जैसे हैं, सिमिलर टू मैग्नीशियम, एंड वॉट इज़ द बेसिस फॉर योर चॉइस। और आपने अगर दो एलिमेंट चूज़ किया है तो किस बेसिस पे चूज़ किया उनको, क्या सोचते हो आप लोग, ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जिसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती होगी। पीरियोडिक टेबल देख के कुछ समझ सकते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखना, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे बेसिस है। क्या होता है ना कि किसी भी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे डिपेंड करती है केमिकल प्रॉपर्टीज़, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो ऐसे एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सेम टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम जैसी होगी, बेरिलियम। ग्रुप नंबर टू के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टू होंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आप कोई भी ग्रुप ले लो, आप ग्रुप नंबर वन टू कुछ भी ले लो, चलो उसको करके दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि देखिए ग्रुप नंबर वन के एलिमेंट हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर ले लो मैग्नीशियम, फिर क्या था, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम है, चलो दो ही को ले लेते हैं। अब देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1, सोडियम का 2-8-1, पोटेशियम का 2-8-8-1, मैग्नीशियम का लो 2-8-2, इसका लो 2-8-8-2, है ना, स्ट्रॉन्शियम होगा तो 2-8-8-8-2 हो जाएगा। तो देखो पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चेंज हो रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। सो किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आप कोई भी ग्रुप लो, ग्रुप नंबर 13 ले लो, ग्रुप नंबर 14 कहीं भी ले लो आप, सभी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर ग्रुप के सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम। इसलिए इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम इन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है। वैसे ग्रुप नंबर 17 में क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। तो अगर मैग्नीशियम के बारे में पूछे कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके जैसे होगी, तो उस ग्रुप के मेंबर्स के जैसे होगी, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो बेरियम हो, चाहे स्ट्रॉन्शियम हो, ठीक, समझ में आया। तो हमारा बेसिस ऑफ चॉइस क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। आंसर लिखो, कैल्शियम एंड बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम,
बिकॉज ऑल द थ्री एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप एंड हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल. ठीक, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर मैं रैप अप कर लेती हूँ. इसको खुद से आप लोग बना लेना, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, नेम द थ्री एलिमेंट दैट हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ऐसे तीन एलिमेंट्स के नाम बताओ जिनके आउटर मोस्ट शेल में तीन एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सिंगल इलेक्ट्रॉन बोला है ना, है ना. ग्रुप नंबर वन के कोई भी तीन एलिमेंट्स के नाम लिख लो, सारे एलिमेंट्स में, ग्रुप नंबर वन के सारे एलिमेंट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, टू एलिमेंट्स दैट हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स के नाम आएंगे इसमें. ठीक है, थ्री एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल कौन से ग्रुप के मेंबर्स होंगे? नोबल गैसेस. ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स होंगे उसमें से किसी भी तीन एलिमेंट्स का हम नाम लिख सकते हैं जिनके पास क्या होंगे? फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो ये आंसर नंबर थ्री अभी आप लिख लो खुद से. ओके, फिर बाकी के क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करें. कल कौन कौन से पीरियड हैं आपके? पहला पीरियड क्या है कल का? कल क्या है पीरियड फर्स्ट? नहीं कल नहीं, फिर कल नहीं, फिर परसों में. तो होगा क्या है, क्या है परसों? अच्छा सैटरडे से. ठीक, फिर मंडे को देखते हैं. मंडे को क्या क्या पीरियड आते हैं? मंडे को भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, चलो मैं बाकी के सॉल्यूशंस फिर आपको व्हाट्सएप कर दूंगी. कोई डाउट होगा उस सॉल्यूशन में तो आप मेरे से पूछ लेना. ठीक, ओके, थैंक यू.